बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार जोहार, मैं नमिता आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम बातें करेंगे शकरकंद की उन्नत खेती व प्रभेद के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे पलाश वृक्ष में लाह फसल के बारे में। तो चलिए बिना देर के सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। चतरा के मछली पालक महाझींगा मछली पालन के लिए ले सकते हैं अनुदान। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से लाभ पाने वाले राज्य के किसानों को केसीसी से जोड़ा जाएगा और सुगंधित धान के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसामती। अब समाचार विस्तार से। मत्स्य प्रसार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना के तहत चतरा जिला के मछली पालकों के लिए दो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें एक है डैम में केज मछली पालन करने वाले मछली पालकों को लाइफ जैकेट उपलब्ध कराना। इसकी कुल योजना लागत 1600 रुपये प्रति इकाई है। इसमें लाभुक को 75% अनुदान दिया जाएगा। दूसरा है निजी तालाबों में महाझींगा मछली पालन करना। इसकी योजना लागत है 1,60,000 रुपये प्रति एकड़। इसमें ST, SC और महिलाओं को 80% तथा अन्य श्रेणी के लाभुक को 70% अनुदान दिया जाएगा। इससे लाभ लेने के लिए चतरा जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से लाभ पाने वाले राज्य के किसानों को KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने की योजना है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से लाभ पाने वाले वैसे किसान जो अभी तक KCC से नहीं जुड़े हैं वे इसे जुड़ने के लिए आवेदन दें। किसान अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी या प्रखंड तकनीकी प्रबंधक या सहायक तकनीकी प्रबंधक या जनसेवक से संपर्क करके आवेदन पत्र भरकर कार्यालय में जमा कर दें। राज्य के किसान यदि जैविक खेती करते हैं तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैविक खेती से कीट और रोग लगने की संभावना कम होगी, साथ ही मिट्टी की सेहत में भी सुधार होगा और उपज में भी बढ़ोतरी होगी। उनका माइंड सेटअप धीरे धीरे चेंज करना है, क्योंकि जैविक खेती जैसे ही शुरू करेंगे तो उसमें सारे पोषक तत्व, उसमें गोबर खाद, कंपोस्ट में, बर्मी कंपोस्ट में सारे तत्व मिल जाते हैं। तो वो जो है हमारी ज़मीन में, एक तो वहाँ पर कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई कीड़ा नहीं आएगा, हमारा स्वस्थ जो है फल सब्जी रहेगा और हम जो है अपने जिनको देंगे सर्व करेंगे वो भी खाएगा तो उसको भी कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, तरह तरह से जो बीमारियां हैं उससे सुरक्षित रहेगा। किसान भाई, आप यदि सुगंधित धान की खेती करना चाहते हैं तो जमीन के प्रकार के अनुकूल सुगंधित धान के उन्नत प्रभेद लगाएं। इसके लिए बिरसा विकास सुगंधा धान 1, बिरसामती, तुलसी मुकुल, तुलसी मंजर या जीरा भोग लगाएं। जब हम रासायनिक खेती करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सहित अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए अलग अलग उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैविक खेती में कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं तो एक ही साथ सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है। पोषक तत्वों की मात्रा संतुलित रहने से रोग और कीट लगने की संभावना भी कम हो जाती है। इससे खेती की लागत में कमी आती है। इस बात को ध्यान में रखकर राज्य के किसान जैविक खेती करें तो बेहतर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। बिरसा रिजर हल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिससे खेत की जोताई और कादो करने का काम किया जाता है। इससे 12 से 14 सेंटीमीटर गहरी जोताई की जा सकती है। ये बैल चालित हल है जो पठारी क्षेत्रों में अन्य फसलों सहित धान की खेती के लिए काफी उपयोगी है। इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में कीट नियंत्रण के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, मिर्च फसल को रोग और कीटों से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। इसके लिए प्रति किलोग्राम बीज की दर से 5 मिलीलीटर स्यूडोमोनस फ्लोरोसेंस सॉल्यूशन दवा का उपयोग करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस
और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस, देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। अब हम बातें करने जा रहे हैं शकरकंद की उन्नत खेती व उसके प्रभेद के बारे में। जो भी किसान भाई बहन शकरकंद लगा रहे हैं तो उनके लिए ये जानकारी है खास, क्योंकि प्रभेद का चुनाव हमें कैसे करना है और खेती के दौरान कौन कौन सी बातों पर खास ध्यान देना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। आज हम बात करेंगे शकरकंद की उन्नत खेती व प्रभेद के बारे में, और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं विजय कुमार सिंह। तो आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि शकरकंद की उन्नत खेती करने के लिए खेत का चुनाव व तैयारी कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, शकरकंद जो है, जिसे मीठी आलू भी कहा जाता है, एक कंद वर्गीय फसल है और इसकी खेती जो है पूरे भारतवर्ष में की जाती है, और ख़ासकर जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र में जो है इसकी खेती जो है बहुतायत से की जाती है। इसको सब्जी के प्रयोग के रूप में करते हैं, या इसको जो है उबाल कर भी खाते हैं और इसको भून कर भी खाते हैं। इसकी खेती करने के लिए, खेत की तैयारी के लिए किसान भाई जो हैं, भूमि का चुनाव अगर आप करते हैं तो अच्छी जल निकास वाली जो है भूमि, बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अन्य मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन पथरीली खेत जमीन में जो है किसान भाई जो है इसका फसल नहीं लगाएं, क्योंकि उसमें कंद का बढ़वार सही से नहीं हो पाता है और गुणवत्तापूर्ण जो है आपका जो है उपज दर नहीं मिलता है। खेत की तैयारी की अगर आप बात करें तो प्रथम जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से जो है करना चाहिए, उसके बाद 2 से 3 बार जो है साधारण हल से, कल्टीवेटर से जो है इसका जुताई करें, और जुताई, हर जुताई के बाद में इसमें पाटा लगाएं ताकि जो है इसका जो है मिट्टी जो है फूट जाए और जो है महीन हो जाए। इसके लिए रोटावेटर का भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। तो 3 से 4 बार जो है गहरी जुताई के बाद मिट्टी को समतल कर लें और उसके बाद जो है क्यारी बनाकर इसमें लगाएं। अगर खाद और उर्वरक की हम बात करते हैं तो इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद जो है करीबन 25 से 30 टन जो है प्रति हेक्टेयर किसान भाई जो हैं खेत की अंतिम जुताई के समय सही रूप से मिलाएं। उसके बाद अगर उर्वरक की हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले किसान भाई जो है अपने मिट्टी की जांच करा लें, उसके उपरांत जो ही है उर्वरक का प्रयोग करें। उर्वरक में शकरकंद की खेती के लिए मुख्य रूप से जो है नाइट्रोजन जो है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस जो है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जो पोटास जो है वो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाएं। किसान भाइयों, जब नत्रजन का प्रयोग करते हैं तो नत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की जो है पूरी मात्रा जो है बेसल डोज के रूप में खेत की अंतिम जुताई के साथ खेत में मिलाएं, उसके बाद जो है क्यारी बनाकर उसमें लगाएं। किसान भाइयों, फल इसमें देखते होंगे कि शकरकंद के फल में जो है फटता है, इसके लिए जो है मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और बोरान की जो है संतुलित मात्रा जो है 25 किलोग्राम जो है मैग्नीशियम सल्फेट, 15 किलोग्राम जो है जिंक सल्फेट और 10 किलोग्राम जो है बोरान जो है खेत की अंतिम जुताई के समय जो है खेत में मिला दें, ताकि जो है आपका फल फटे नहीं और उसको बाजार में उचित मूल्य मिल सके। तो इस तरह से अगर किसान भाई अगर इसको लगाते हैं तो उसका उत्पादन अच्छा होगा और ये होगा। अगर हम प्रभेदों की बात करें तो कौन कौन से प्रभेद लगाना हमारे किसान भाइयों के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। किसान भाइयों, अगर आप प्रभेद की बात करते हैं तो इसमें प्रभेद का चुनाव जो है कंद का रंग और उत्पादन के आधार पर जो है इसको, इसका विकास किया गया है। कंद के आधार पर इसकी 3 प्रजातियां हैं, एक सफ़ेद कंद का होता है, एक पीला कंद का होता है, एक लाल कंद का होता है। अगर हम पीला कंद की बात करें तो पीला कंद में जो है पानी की मात्रा कम होती है, लेकिन विटामिन ए जो है इसमें भरपूर मात्रा में होती है। तो इसकी किस्म की अगर बात करें तो एक किस्म जो है भू कृष्णा है, जो इसका कंद जो है पीला रंग का होता है और इसका जो है स्किन जो है ऊपर वाला भाग भी जो है पीला होता है, और इसमें जो है कैरोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छा होता है और इसकी उपज दर जो है 18 टन से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। उसके अलावा जो है भू कृष्णा के अलावा जो है और राजेंद्र जो है शकरकंद 41, राजेंद्र शकरकंद 31, राजेंद्र शकरकंद 47, उसके बाद पूषा सफ़ेद, पूषा लाल,
और गौरी, ये कई तरह की प्रजातियां हैं जिसको अगर किसान भाई अगर लगाते हैं तो निश्चित रूप से जो है उनका उत्पादन अच्छा होगा, अच्छा प्रभेद होगा। किसान भाइयों, अगर शकरकंद में कीट एवं रोग की बात करते हैं तो एक रोग में जो आता है अर्ली ब्लाइट, जिसको अगेती मुरझा रोग कहते हैं, इसमें देखेंगे तो किसान भाई जो है इसके शकरकंद की पत्तियों पर जो है काला काला धब्बा आ जाता है और उसकी बहुतायत हो जाने के बाद जो है पौध का बढ़वार रुक जाता है और कंद का आकार भी छोटा हो जाता है। तो अगर अगेती झुलसा रोग की समस्या है तो सबसे पहले जो है किसान भाई जो हैं उसकी संक्रमित पत्ती को जो है हटा लें, और उसके बाद एक दवा आता है मैंकोजेब, जो बाज़ार में डाइथेन M45 के नाम से आता है, या रिडोमिल गोल्ड जो है वो दवा जो है 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर इसका जो है 10 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार अगर छिड़काव करते हैं तो जो है ये अगेती झुलसा रोग जो है का निदान हो सकता है। उसके अलावा जो है ब्लैक स्कार्फ एक बीमारी आता है जिसमें देखेंगे तो कि फल में जो है काला काला धब्बा आ जाता है, इसके लिए किसान भाई जो हैं जो है रिडोमिल जो है गोल्ड जो है 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर इसका छिड़काव करते हैं तो इस बीमारी से निदान हो सकता है। इसके अलावा जो है पत्ती का जो है रस चूसने वाला कीट भी आता है, उसके लिए भी अगर किसान भाई जो है क्रॉप गार्ड जो है एक प्लास्टिक आता है जिसमें जो चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है उसको अगर आप लगा देते हैं तो जितना भी रस चूसने वाला कीट जो है उसमें आकर्षित कलर से आकर्षित होकर आता है और उसमें सड़ जाता है तो आपका फसल जो है संक्रमित हो से बच जाता है। तो इस तरह जो है कीट और बीमारी से किसान भाई जो है सकते हैं। देखा ना किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी अच्छी जानकारियाँ दी। उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार, नमस्कार। अब हम बातें करने जा रहे हैं पलाश वृक्ष में रंगनी लाह फसल के बारे में। तो आइए बिना देर के आपको बताते हैं कि रंगनी लाह फसल से क्या क्या लाभ हो सकता है और जो किसान भाई बहन इसे कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन सी जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पलाश के वृक्ष में रंगीनी लाह की खेती के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं लाह अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर घोषाल जी। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि लाह की खेती अगर करनी होती तो उसके लिए पलाश की वृक्ष क्यों चुननी जाती है और क्या इसके फ़ायदे होते हैं? बहुत अच्छा। लाख की खेती, देखिए रंगीनी लाख की खेती केवल पलाश वृक्ष ही नहीं और भी कई वृक्ष में होता है, जैसे आपका बेर में भी होता है। इसके अलावा फाइकास ग्रुप का कुछ पेड़ है जैसे बरगद हुआ, पीपल हुआ, पोड़ो पुत्री, इस सब में भी रंगीनी का खेती होता है। लेकिन सब अलग अलग पेड़ का अलग अलग असुविधाएं हैं, जैसे कि आपका बरगद का गोत्र का जो पेड़ है ये सब समय इक्वली पैदावार नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। और बेर का पेड़ में रंगीनी तो होता है, लेकिन बेर का पेड़ में आपका ग्रीष्मकालीन जो रंगीनी फसल है ये नहीं हो पाता है। लेकिन पलाश में अगर देखा जाए तो बोथ दी सीज़न में, गर्मी का सीज़न और बारिश का सीज़न में जो लाख कीट उत्पादन इसमें बहुत अच्छे तरीके से होता है और अच्छा गुड अमाउंट में भी इसका पैदावार होता है। तो इसीलिए पलाश वृक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है रंगीनी लाख की खेती के लिए। और जहाँ तक इसका जो विस्तारित जो खेती, इसके बारे में हमको चाहिए कि किसान भाई को कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे दें। तो इसका विस्तारित खेती के लिए पहला शुरू हम लोग करते हैं इसका प्रूनिंग का टाइम, यानी कटाई छंटाई पेड़ का कब करेंगे। अच्छा पैदावार करने के लिए कटाई छंटाई होना ज़रूरी है, क्योंकि मुलायम टहनी चाहिए, मुलायम टहनी पे ही लाख कीट अच्छा वृद्धि होता है। तो दूसरा जो पौधा पेड़ दूसरा समय आप प्रूनिंग कर सकते, लेकिन पलाश का पेड़ में अप्रैल महीना में ही प्रूनिंग करना चाहिए, तभी इसमें से नया शूट बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो पलाश वृक्ष में अप्रैल महीने में प्रूनिंग करेंगे, उसके बाद 7 महीने का जो नया शूट्स निकलते हैं, तो 7 महीना जब नया शूट्स का उम्र होता है यानी अक्टूबर नवंबर महीने में, तब उस समय आप इसको लैक इसमें लगाते हैं। और लैक लगाने के बाद ये करीब
बहुत ये समर सीजन के थ्रू से ये गुजरता है, इसीलिए बहुत कम मात्रा में इस समय लैक इनोकुलेशन किया जाता है। तो करीब एक पेड़ में करीब 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम लैक इसमें लगाते हैं, और इसके बाद लैक जो ग्रोथ होता है तो काफ़ी कुछ डाली में लैक बैठ पाते हैं, क्योंकि इनोकुलेशन का मात्रा कम है, कुछ में बैठ पाता है कुछ में नहीं बैठ पाता है, तो बाकी खाली छोड़ दिया जाता है। तो अक्टूबर जून जुलाई महीने में जब फसल परिपक्व होता है, इस समय डाली से निकाल करके लैक दूसरा डाली में बैठ जाता है। तो जो डाली में पूरा का पूरा लैक भरा रहता है उसी को हार्वेस्टिंग करते हैं, बाकी को छोड़ दिया जाता है, इसको स्वतः संचरण बोलता है, और जो हार्वेस्टिंग किया हुआ लाक है उसको आंशिक कटाई बोलता है। डॉक्टर साहब, अंत में चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि लाह की खेती करके कैसे वो अपनी जीविकापार्जन में उन्नति ला सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ये है, हमारा इंस्टीट्यूट का मार्गदर्शन से बहुत किसान वैज्ञानिक ढंग से लाख का खेती करके लाखपति हुए हैं, और ये लाखपति होने का संख्या, किसानों का संख्या धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है, और हम लोग इसका प्रचार प्रसार करने के लिए काफ़ी सब समय यत्नवान रहते हैं। हमारा संस्थान से एक लाख का डॉक्टर नाम पर एक ऐप निकाला गया है, आपका गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। इसके अलावा हमारा संस्थान का वेबसाइट में लैक खेती का ऊपर, सिमियालटा और बेर का ऊपर खेती करने के लिए अच्छा फिल्म तैयार करके अपलोड किया हुआ है, किसान भाई इसको भी देख सकते, और हमारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विभाग से भी संपर्क करके किसान भाई काफ़ी कुछ लाभ ले सकते, हमारा जो लेटेस्ट जानकारी है उसको उपलब्धि को हम लोग साझा करते हैं। और हमारा यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, हम लोग पत्राचार के जरिए भी हम लोग इसको किसान को जानकारी देते हैं, और साथ में टेलीफोनिक तरीके से भी हम लोग जानकारी देते हैं। और प्रधान जो ये हमारा टेक्नोलॉजी है वो है, हमारा किसान भाई को हम लोग प्रूनिंग समय पर करने के लिए बोलते हैं, जो जो शत्रु कीट है और फफूंदनाशी दवा स्प्रे करने के लिए बोलते हैं। फफूंदनाशी दवा हम लोग कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर और फफूंदनाशी दवा फिप्रोनील 1.5 ml प्रति लीटर पानी में लेकर के स्प्रे करने के लिए बोलते हैं। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन और 135 दिन में ये दोनों दवा मिला करके स्प्रे करने के लिए हम लोग बोलते हैं, समर क्रॉप के लिए, और शीतकालीन वर्षाकालीन क्रॉप के लिए ओनली 2 स्प्रे करने के लिए बोलते हैं। और खाद का इस्तेमाल करने से भी काफ़ी हम लोग करीब 2 गुना लैक का प्रोडक्शन हम लोग पा सकते। आज के अंक में इतना ही, यूं ही आपसे बातें करते रहेंगे क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले आप फटाफट लिखिए हमारा पता, क्योंकि कृषि से जुड़ी किसी भी तरह की कोई समस्या हो, समाधान हो या सुझाव देना हो तो आप हमें हमारे पते पर जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारे कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। नमस्कार, जोहार।